नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्री एक्सपर्ट आसिन पर। दोस्तों मैं गोविंद मेवाड़ा और आप देख रहे हैं राजस्थान जीके की स्पेशल सीरीज इतिहास राजस्थान का। दोस्तों अगर हम बात करें राजस्थान के इतिहास की तो हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं महाराणा सांगा के बारे में और दो पार्ट में हमने पूरा किया था महाराणा सांगा का जीवन जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यूँ तो अगर दोस्तों मेवाड़ के हर एक योद्धा के इतिहास की बात करें तो एक एक ग्रंथ एक एक योद्धा पर लिखा जाए तो कम होता है लिखा गया है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं केवल उन टॉपिक्स के बारे में, उन बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करते हैं जो राजस्थान एग्रीकल्चर या राजस्थान के किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की दृष्टि से लाभदायक सिद्ध होता है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उन सभी प्रश्नोत्तरी के बारे में या उन सभी क्वेश्चंस के बारे में जो महाराणा सांगा से रिलेटेड कभी एग्जामिनेशन में पूछे गए थे या अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आगे आने वाले एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने पहल शुरू की थी, हर एक टॉपिक के बाद में उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं या आ सकते हैं उनके बारे में हम एक बार जानकारी कलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों ये सारा का सारा जो व्यू है हर टॉपिक के बाद हम लेकर आ रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों महाराणा सांगा से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, और शुरुआत करने से पहले मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि अगर आपने मेवाड़ के इतिहास की सीरीज में पिछले वीडियो नहीं देखे हैं जिनमें मेवाड़ का परिचय महाराणा कुंभा के भाग फर्स्ट, भाग द्वितीय, भाग तृतीय, महाराणा सांगा पार्ट फर्स्ट पार्ट टू, महाराणा कुंभा की प्रश्नोत्तरी, और आज मैं आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ महाराणा सांगा की प्रश्नोत्तरी। दोस्तों ये सारे वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट के का लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप इन वीडियोस को देख सकते हैं और अपने नोट्स बनाकर आगे आने वाले एग्जामिनेशन में आपके लाभदायक ये सिद्ध हो सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन से, और अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो राणा संग्राम सिंह का ज्येष्ठ पुत्र कौन था। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो इनके ज्येष्ठ पुत्र हैं इनका संबंध आगे जाके किसी न किसी एक ऐसे व्यक्तित्व से जुड़ता है जो राजस्थान जीके में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम महाराणा संग्राम सिंह के पुत्रों की बात करें तो मुख्यतः तीन पुत्र हुए थे जिनमें ज्येष्ठ पुत्र भोजराज, उसके बाद दूसरे पुत्र विक्रमादित्य, और तीसरे और सबसे छोटे पुत्र जो मेवाड़ के राणा बने उदय सिंह थे। अब दोस्तों अगर हम ज्येष्ठ पुत्र की यहाँ पूछा गया ज्येष्ठ पुत्र की बात करें तो भोजराज इनके ज्येष्ठ पुत्र थे, और इन्हीं भोजराज का विवाह कहाँ हुआ था, मेड़ता में हुआ था, और मेड़ता में किसके साथ हुआ था, भक्त शिरोमणि मीराबाई के साथ भोजराज का विवाह हुआ था। अब दोस्तों उसके बाद अगली बात करें भोजराज की मृत्यु किस कब हुई थी, क्यों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि इनके सबसे छोटे पुत्र जब मेवाड़ के राणा बनते हैं तो उस वक्त के अगर हिसाब देखा जाए, उस वक्त की अगर कार्य व्यवस्था देखी जाए तो ये था कि जिस राणा का अंतिम समय आ जाता था या मृत्यु हो जाती थी उसके बाद उन राज्याभिषेक जो होता है वो ज्येष्ठ पुत्र का होता था। अगर भोजराज ज्येष्ठ पुत्र हैं तो उदय सिंह क्यों राणा बने, उसके पीछे कारण है कि एक युद्ध होता है बाबर के साथ, और बाबर के साथ युद्ध होता है खानवा का मार्च 1528 में, और इस युद्ध में केवल भोजराज ही नहीं महाराणा सांगा के साथ कई वीर जो पाती पैरवण पद्धति या परंपरा के अनुसार मेवाड़ के राजा या मेवाड़ के राणा सांगा के लिए लड़ रहे थे, किसके अगेंस्ट, बाबर के अगेंस्ट लड़ रहे थे, और लड़ते हुए ये वीरगति को प्राप्त हुए थे, और इसी युद्ध में भोजराज भी वीरगति को प्राप्त हुए थे। अगली अगर हम बात करें दोस्तों कि महाराणा सांगा से महमूद खिलजी से महाराणा सांगा ने कौन कौन से क्षेत्र जीते थे, तो दोस्तों अगर गागरोन के युद्ध की बात की जाए तो ये महमूद खिलजी द्वितीय के साथ युद्ध हुआ था, जबकि हम कुंभा की बात करें तो वो सारे के सारे युद्ध महमूद खिलजी प्रथम के साथ हुए थे। और इस युद्ध में गागरोन का ये युद्ध कहलाता है, और इस युद्ध में जो सेनापति थे राणा के, जो सेनापति थे वो चंदेरी के मेदिनी राय थे, और ये क्या थे उस वक्त गागरोन किले के किलेदार थे मेदिनी राय। अब इस युद्ध में कौन कौन से जगह जीती जाती है, कौन कौन से क्षेत्र जीते जाते हैं उनकी अगर हम बात करें तो मिलसा और रायसेन नामक दो स्थान वहाँ से राणा सांगा जीत लेते हैं। अगले अगर क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो खातौली का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था, और अगर हम बात करें तो मेवाड़ के महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी, हाँ दोस्तों
दिल्ली के अफगान शासक थे लोदी वंश के इब्राहिम लोदी, इन दोनों के साथ कौन सा युद्ध लड़ा गया? खातोली का युद्ध लड़ा गया। और अगर बात करें कि इस युद्ध में विजय किसकी हुई, तो महाराणा सांगा की विजय हुई थी। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करके लिखिएगा, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल होने के बाद राजतिलक धारण करके युद्ध जारी रखा? दोस्तों ऐसे दो प्रमाण मिलते हैं जो राणा सांगा और राणा प्रताप के साथ साथ चलते हैं। दो क्या? पहला तो वो जब युद्ध होता है तो हरावल दस्ते में कौन होते हैं दोस्तों? हरावल दस्ते में राणा सांगा के साथ कौन युद्ध लड़ते हैं? हसन का मेवाती लड़ते हैं। ऐसा का ऐसा ही प्रताप के समय में एक व्यक्ति हुआ था या मुस्लिम शासक हुआ था जिन्होंने सहयोग किया था अकबर के अगेंस्ट, किसका? महाराणा प्रताप का। वो कौन थे? हकीम खां सूरी थे। यही कंडीशन यहाँ पे बनती है कि जब युद्ध हो रहा है, मेवाड़ के राणा बहुत ज़्यादा घायल हो चुके हैं या ऐसा लग रहा है कि अब इनकी स्थिति बचने लायक नहीं है, उस कंडीशन में एक व्यक्ति होता है जो स्वयं राज मुकुट धारण करता है, स्वयं राज तिलक पहनता है और राणा को बाहर निकालता है। तो राणा सांगा के समय अगर हम ऐसी बात करें कि कौन था ऐसा व्यक्ति, तो राजाला अज्जा था। लेकिन वहीं अगर राणा प्रताप के समय की बात करें तो कौन था? जाला बिद्दा था। इसके समझने के लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी दोस्तों, पहले कौन आया है? सांगा आया है। और इधर अगर हम ए से अज्जा, बे से बिदा बात करें, तो पहले ए और बे में कौन आता? ए आता है। यानी सांगा जब पहले आया है तो उसके लिए कौन आएगा? जाला अज्जा आएगा। और वहीं अगर बात की जाए प्रताप की, तो प्रताप के लिए ऐसा कार्य किसने किया था? जाला बिदा ने किया था। उसके बाद दोस्तों बात करें, सन 1509 में मेवाड़ के शासक कौन बने? सन 1509 में मेवाड़ के शासक कौन बने थे? तो सन 1509 में राणा संग्राम सिंह मेवाड़ के शासक बने थे। क्यों? इस वक्त रायमल की या राणा रायमल की आकाशीय बिजली गिरने के बाद मृत्यु हो गई थी और राणा कौन बन गए? राणा संग्राम सिंह बन गए, जो आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुए? राणा सांगा के नाम से प्रसिद्ध हुए। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें, तो राणा सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों निर्णायक युद्ध जो है वो खानवा के युद्ध को कहा जाता है। दो युद्ध इनके मध्य हुए थे, फरवरी 1528 में हुआ था, वो बयाना का युद्ध था, और 17 मार्च 1528 को जस्ट एक महीने बाद ही खानवा में युद्ध हुआ। खानवा जो है भरतपुर में है, और इस युद्ध को निर्णायक युद्ध कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस युद्ध में महाराणा सांगा की हार हुई थी, पराजय हुई थी, और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें, तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सेना में कौन शामिल नहीं था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखना कौन नहीं था। महमूद लोदी, फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों महमूद लोदी, दूसरा हसन खां मेवाती, तीसरा हकीम खां सूरी, और चौथा मालदेव राठौड़। दोस्तों अब हमें यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्या होता है, हसन खां मेवाती और हकीम खां सूरी में कन्फ्यूज़न होता है। और अगला अगर हम कन्फ्यूज़न की बात करें, तो महमूद लोदी भी इस ऑप्शन में कन्फ्यूज़न की बात है। अगर दोस्तों बात करें मालदेव राठौड़ की, तो मारवाड़ के मालदेव राठौड़ तो पहले ही पता है पाती पैरवण परम्परा में साथ थे। क्या किस परंपरा में साथ थे? पाती पैरवण परंपरा के साथ साथ थे। लेकिन अगर हम बात करें कि मेवात का एक व्यक्ति था जो मुस्लिम होने के बावजूद भी राजपूतों या राणा सांगा का समर्थन कर रहा था, वो कौन था? हसन खां मेवाती था। अब बात आती है हकीम खां सूरी की, तो हकीम खां सूरी क्या था? हकीम खां सूरी राणा प्रताप के समय का था। यानी उसने कब सहयोग दिया था? हल्दी घाटी के युद्ध में सहयोग दिया था। तो अब कन्फ्यूज़न यहाँ क्रिएट होता है, क्या महमूद लोदी राणा सांगा के साथ था? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर हम कन्फ्यूज़न की बात करें, तो लोदी वंश से गागरौन का युद्ध, माफ़ कीजिएगा, खातोली का युद्ध और बाड़ी धौलपुर का युद्ध हारने के बाद में इब्राहिम लोदी अपने सरदारों को भेजता है और दो सरदार भारत बुला के लाते हैं बाबर को। लेकिन महमूद लोदी ऐसा शासक था जो राणा सांगा का सपोर्ट करता है। तो यहाँ अगर सही आंसर की बात करें तो हकीम खां सूरी था। और हकीम खां सूरी क्यों था? क्योंकि यह राणा सांगा के समय का नहीं था, राणा प्रताप के समय का था। और इसने क्या किया था? हल्दी घाटी में सहयोग किया था राणा सांगा प्रताप का। उसके बाद अगली बात आती है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, हुमायूं को राखी किसने भेजी? देखिए दोस्तों, राणा सांगा जब वीरगति को प्राप्त हो गए, उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद में विक्रमादित्य के समय जब मेवाड़ में थोड़ा सा अनियंत्रण की स्थिति हुई, तब राणा सांगा की पत्नी कर्मावती ने एक
राखी भेजी थी हुमायूं को अपनी रक्षा करने के लिए, अपनी रक्षार्थ, और कब भेजी थी, जब गुजरात के शासक या गुजरात के जो सेना थी वो मेवाड़ पर अपना आधिपत्य करना चाहती थी, लेकिन हुमायूं इस राखी का कोई भी जवाब नहीं भेजता है, ये इतिहास में कहा जाता है। इसके बाद अगली बात आती है दोस्तों, महाराणा सांगा ने किन अफगानों को शरण दी थी। अब यहाँ पे आती है क्लियरेंस दिक्कत, क्यों इब्राहिम लोदी ने खातौली का युद्ध हुआ था, तो वो युद्ध का जो मुख्य कारण था कि महमूद लोदी जो वहाँ से भाग कर आया था उनको शरण दी थी। दो थे, हसन खां और महमूद लोदी, और दोनों ही खानवा और बयाना के युद्ध में इनका भरपूर सहयोग करते हैं, और मुख्यतः खानवा के युद्ध में दोनों ही बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कहाँ हुआ था। देखिए दोस्तों, इसके बारे में तीन उपनाम या दो उपनाम बताए जाते हैं। खानवा का युद्ध क्यों कहा जाता है, भरतपुर के खानवा नामक स्थान पर यह युद्ध हुआ था इसलिए इसे खानवा का युद्ध कहा जाता है, लेकिन ये जो स्थान है भरतपुर, इसके पास खानवा, इसके पास ही एक रूपावास नामक स्थान है, और रूपावास नामक स्थान पास होने के कारण इतिहासकारों ने इस युद्ध को क्या कह दिया, रूपावास का युद्ध कह दिया। ये किस जिले में है, तो ये भरतपुर जिले में। उसके बाद दोस्तों अगली बात करें, राणा सांगा की समाधि या छतरी कहाँ है। देखिए दोस्तों, इनके संदर्भ में इनके दो जगह स्मारक बने हैं, उनकी हम अलग अलग बात करेंगे। यहाँ बात हो रही है छतरी की। छतरी की अगर हम बात करें कि छतरी कहाँ पर बनी हुई है, तो दोस्तों इनका अंतिम संस्कार जिस स्थान पर हुआ था मांडलगढ़ में, उसी मांडलगढ़ में इनकी छतरी बनी हुई है। और ये छतरी किसने बनाई थी, तो कहा जाता है कि उस वक्त जिसके पास जहाज बिजोलिया का परगना था, अशोक परमार, उन्होंने इस छतरी का निर्माण करवाया था। उसके बाद दोस्तों अगर बात पूछ ली जाए, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, छतरी जो बनाई अशोक परमार ने वो कितने खंभों की थी, 6 खंभों की थी। कहाँ पर है, ये मांडलगढ़ में है। उसके बाद अगली बात करें, हिंदू पथ किस शासक को कहा जाता है। दोस्तों महाराणा सांगा को हिंदू पथ कहा गया, हिंदू सत जो है महाराजा जसवंत सिंह को कहा गया, और अगर हिंदू सुरतान की बात करें तो सांगा के दादा महाराणा कुंभा को हिंदू सुरतान कहा गया। ये चीज़ें लिख लीजिएगा, हिंदू सुरतान पूछा जाए महाराणा कुंभा, हिंदू सत पूछा जाए महाराजा जसवंत सिंह, और हिंदू पत पूछा जाए तो आपका महाराणा सांगा लिखना है। ये जानकारी थी दोस्तों। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, तो राणा सांगा को विषम परिस्थितियों में किसका सहयोग मिला। दोस्तों अगर बात की जाए कि विषम परिस्थितियां इनके साथ आई कब, तो राज्याभिषेक से पहले जब उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था या थोड़ा अनबन चल रही थी इनके भाइयों में, तब करमचंद पंवार को उसका सहयोग इनको मिला था। और इनका जो भी समय गुजरा था करमचंद पंवार के साथ अजमेर में गुजरा था, 1509 में इन्हीं की सहायता से इन्होंने क्या करवाया, अपना राज्याभिषेक करवाया था। उसके बाद पूछा जाता मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और भारत की सबसे बड़ी घटना किस दिन हुई थी, कौन सी, किस युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, तो 17 मार्च 1527 को होने वाले खानवा के युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में हो गई थी। अगली बात करते हैं, राणा सांगा के समय मेवाड़ की उत्तरी सीमा कहाँ तक थी। देखिए दोस्तों, बहुत युद्ध लड़े थे इस राजा ने, इस शासक ने, और कोई दो राय नहीं है कि वीरता में इसका कोई सानी नहीं था। तो अगर हम बात करें उत्तरी सीमा तक, तो पीलिया की खाल, ये आगरा के पास तक का इनका जो है मेवाड़ का आधिपत्य चला गया था। अब आप सोच सकते हैं कि ये किस लेवल के राजा थे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सांगा के समय मेवाड़ की उत्तरी सीमा कहाँ तक थी, पीलिया खाल, और ये कहाँ पर है, ये आगरा के पास है। उसके बाद दोस्तों बात करें, प्रथम बार किस व्यक्ति ने या किस शासक ने तोपखाने का उपयोग किया था। तो बाबर ने सर्वप्रथम किसका उपयोग कर लिया था, तोपखाने का उपयोग कर लिया था। और अगर तोपची की बात की जाए तो मुस्तफ़ा इसके मुख्य तोपची थे। अगर अगली क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो बाबर ने खानवा के युद्ध में क्या उपाधि धारण की थी। तो बाबर ने, क्योंकि दोस्तों जब बयाना का युद्ध हुआ था तब भी मेवाड़ की सेना से ये घबरा गए थे, और जब खानवा का युद्ध हुआ तब तो क्या थी, सेना बहुत बड़ी थी, और जितने भी मेवाड़ी सरदार थे, जितने भी
शासक थे सांगा के साथ, वो सारे के सारे साक्षात काल बनकर टूट रहे थे। तो ऐसे में क्या हो गया, सारी की सारी बाबर की सेना क्या हुई, दौड़ने लगी, भागने लगी। तो ऐसे समय पर वापस सेना को सुनियोजित करने और वापस सेना का जो टूटा हुआ मनोबल है वो एकत्रित करने के लिए बाबर ने क्या कर दिया, गाजी की उपाधि धारण कर दी और स्वयं को क्या कह दिया उन्होंने, गाजी कह दिया, और कहा ये युद्ध किसके लिए है, ये युद्ध धर्म के लिए। हरिकृष्ण पूछा जाता है कि सर्वप्रथम भारत में जिहाद का युद्ध किसने कहा था, तो बाबर ने खानवा के युद्ध को क्या कहा था, जिहाद का युद्ध कहा था। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों खानवा के युद्ध में जो बाबर के जो तोपची थे वो कौन थे, मुस्तफ़ा पहला प्रथम तोपची था और उसके बाद में एक नामोर उस्ताद अली, ये दो तोपची थे जो वो काबुल से साथ में लेकर आया था। उसके बाद कहा जाता है दोस्तों रूपावास का युद्ध किसे कहा जाता है, पहले ही बात हो चुकी है खानवा के पास एक रूपावास स्थान है, इसीलिए रूपावास को क्या, कौन सा युद्ध कहा जाता है, खानवा का युद्ध को रूपावास का युद्ध भी कहा जाता है। अब बात आती है बाबर ने इस युद्ध को क्या संज्ञा दी, तो मैंने कहा था कि जब तितर बितर होती हुई अपनी सेना को वापस सुनियोजित करना चाहता था, मनोबल को वापस एकत्रित करना चाहता था, तब इसने इस युद्ध का क्या नाम दे दिया, जिहाद का युद्ध का नाम दे दिया, बोला ये धर्म के लिए युद्ध है। और वापस बाबर की सेना एकत्रित हुई और आगे चलकर यही इसका जो कार्य है इसकी विजय का कारण बना। अगली अगर बात करें दोस्तों तो इतिहासकार के अनुसार या किस इतिहासकार के अनुसार पाती पेरवण परंपरा के तहत 7 उच्च श्रेणी के राजा 9 राव और 104 सरदार राणा सांगा के साथ थे। क्वेश्चन पूछा जाता है ये कथन किसका है, तो ये कथन किसका है, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान लिखने वाले जेम्स कर्नल टोड का है। और इन्हीं के इस पुस्तक में ये वर्णन मिलता है कि पाती पेरवण परंपरा को प्रथम एकमात्र बार जिस व्यक्ति ने लागू किया था या जिस व्यक्ति ने पुनः उसको चालू किया था वो था महाराणा सांगा। और इसी परंपरा के तहत 7 उच्च श्रेणी के राजा 9 राव और 104 सरदार इनके साथ थे। सोचिए कितनी बड़ी सेना थी लेकिन फिर भी पराजय का सामना करना पड़ा। अगली बात आती है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बयाना के युद्ध में बाबर की सेना का जो सेनापति है वो कौन था। बयाना के युद्ध की बात हो रही है जो प्रथम युद्ध कहलाता है, जब लोदी वंश के इब्राहिम लोदी ने इनको बुलावा भेजा था और ये वापस जब यहाँ आते हैं तो पहला जो युद्ध होता है बयाना में, इस युद्ध का जो सेनापति था वो कौन था, मेहंदी ख्वाजा था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। अगर अगले युद्ध की बात करें कि राणा सांगा के समय गागरोन युद्ध किस शासक के साथ हुआ था, पहले ही बात हो चुकी है हमारी जब इन्होंने मिलसा व रायसेन जीते थे और वो व्यक्ति कौन था, मालवा का महमूद खिलजी द्वितीय था। ये दोस्तों जरूर ध्यान रखना, इसमें नहीं लिखा हुआ है महमूद खिलजी सेकेंड, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ही है दोस्तों कि राणा सांगा का जो सेनापति है वो कौन था, कौन से युद्ध में, गागरोन के युद्ध में जो मालवा के शासक महमूद खिलजी द्वितीय के साथ लड़ा गया था, उसमें महाराणा सांगा के सेनापति कौन थे। तो दोस्तों चंदेरी के जो मेदिनी राय है वो उस वक्त क्या थे, गागरोन के किलेदार थे और वही राणा सांगा के सेनापति नियुक्त हुए। किस युद्ध में, गागरोन के युद्ध में। दोस्तों अगर अगली बात करें अगले क्वेश्चन की तो महाराणा सांगा में कि मालवा शासक के प्रति उदारता के प्रमाण किस ग्रंथ में मिलते हैं। दोस्तों जो कार्य महाराणा कुंभा ने किया था महमूद खिलजी प्रथम के लिए, 6 महीने कैद रखा, वापस छोड़ दिया, किला वही, युद्ध वही, शासक वही, शासक कहाँ के, मालवा के, शासक कौन था, महमूद खिलजी प्रथम, और राजा कौन था, महाराणा कुंभा, 6 महीने जेल रखा, छोड़ दिया। फिर उनके पोते की बात आती है, युद्ध होता है गागरोन का और मालवा के शासक महमूद खिलजी द्वितीय पराजित होते हैं, उनको कैद किया जाता है और 6 महीने बाद वापस छोड़ देते हैं। तो इस उदारता के प्रमाण किस ग्रंथ में लिखे हैं, तो निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ तबकाते अकबरी में इस घटना का उल्लेख हमें मिलता है। तबकाते अकबरी, राइटर कौन थे, निज़ामुद्दीन अहमद, और ये किसके समय के राइटर थे, अकबर के समय के राइटर थे। अगली बात करें दोस्तों तो बयाना के युद्ध में शाही सेना का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों बयाना का जो युद्ध हुआ था उसमें शाही सेना का जो नेतृत्व है वो मियां माखन और मियां हुसैन ने किया था।
अगर हम बात की जाए, पूछ लिया जाए कि किसने किया था, तो बयाना के युद्ध का जो नेतृत्व है वो मियाँ माखन और मियाँ हुसैन ने किया था। उसके बाद दोस्तों बात करें, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार खातौली का युद्ध कब हुआ था? देखिए दोस्तों, दिल्ली के अफगान शासक इब्राहिम लोधी के मध्य और इब्राहिम लोधी और महाराणा सांगा के मध्य ये युद्ध हुआ था। बहुत सारे इतिहासकार जो हैं वो इनकी जो तारीख है वो 1518 बताते हैं, लेकिन गोपीनाथ शर्मा जो है वो इस युद्ध का जो समय है वो 1517 बताते हैं। तो अगर आपसे स्पेशल पूछ लिया जाए कि गोपीनाथ शर्मा के अनुसार खातौली का युद्ध कब हुआ था, तो वो कब हुआ था? 1517 में हुआ था। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपके अन्य इतिहासकारों के अनुसार या गोपीनाथ शर्मा का नाम नहीं दिया हो, तो फिर आप 1518 कर सकते हैं। उसके बाद अगली बात करें दोस्तों, राजस्थान का एकमात्र अफगान शैली में बना हुआ किला कौन सा है? तो दोस्तों धौलपुर में एक स्थान है बाड़ी, और इसी बाड़ी नामक स्थान पर एक किला बना हुआ है, और वो कौन सी शैली का बना हुआ है? अफगान शैली का बना हुआ। और मुख्यतः माना जाता है कि बाड़ी धौलपुर का जो युद्ध हुआ था उसका कारण क्या था? इसी किले के लेकर स्वामित्व की बात थी जो राणा सांगा के पास था, और राणा सांगा किसको नहीं देना चाहता था? इब्राहिम लोधी को नहीं देना चाहता था। उसके बाद दोस्तों बात करें खानवा के युद्ध की, तो युद्ध कोई भी हुआ बगैर विश्वासघात के हारा नहीं गया। ये इतिहास है इस राजस्थान का कि अगर रणमल रतिपाल राणा हमीर दे चौहान को अगर विश्वासघात नहीं करते तो वो नहीं हारता। अगर आपके रावल रतन सिंह के समय की बात आए तो तांत्रिक राघव चेतन अगर नहीं पहुंचता विश्वासघाती बनके, तो वो रावल रतन सिंह नहीं हारते। इसी तरह बहुत सारे या जहां भी युद्ध हुए हैं किसी ने विश्वासघात किया। तो दोस्तों अगर बात करें राणा सांगा की, तो राणा सांगा के साथ किसने विश्वासघात किया? तो विश्वासघात किया था एक तो सलहदी तंवर ने, और दूसरा विश्वासघात किया था नागौर के खानजादा ने। ये दोनों क्या कर रहे थे? पहले तो लड़ रहे थे सांगा की तरफ से, और अंत में या यूं कह दीजिए विश्वासघात करके इन्होंने क्या कर दिया? अकबर बाबर की तरफ अपना जो पड़ाव है या जो अपना प्रभुत्व उधर कर लिया। इस वजह से क्या हुआ? विश्वासघात के कारण महाराणा सांगा की मृत्यु हुई, पराजय का जो सामना करना पड़ा। अगली अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को इस तरह पूछा जाता है कि ऐसा किस मुस्लिम शासक या किस मुगल शासक ने कहा है कि, या किसके लिए कहा है, तो उसके समान अगर तीन उत्तराधिकारी वैसे ही वीर और योग्य हो जाते तो भारत में मुगल साम्राज्य जम नहीं पाता। ऐसा किसने कहा था? बाबर ने कहा था। किसके लिए कहा था? तो महाराणा सांगा के लिए कहा था। ये ध्यान रखना, महाराणा सांगा के लिए कथन कहा था बाबर ने। किस में? अपनी आत्मकथा बाबर नामा में कहा था। क्या कहा था? कि अगर महाराणा सांगा के तीन उत्तराधिकारी वैसे के वैसे हो जाते, कैसे? उसी की तरह वीर, उसी की तरह योग्य हो जाते, तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करना या ठहरना बहुत मुश्किल हो जाता। और ऐसा हुआ भी दोस्तों, लेकिन बीच में एक कड़ी रह गई। कौन सी कड़ी? उदय सिंह के समय की जो कड़ी थी वो थोड़ी सी कमज़ोर कही जाती है, अन्यथा सांगा तो स्वयं वीर थे ही, और राणा प्रताप की वीरता से पूरा विश्व अछूता नहीं है, पूरा विश्व जानता है। तो ये बीच की जो कड़ी थी ये कहीं ना कहीं थोड़ी कमज़ोर थी, इसीलिए मुगल साम्राज्य यहाँ तक पहुँचा या यहाँ तक फैल पाया। अगली अगर बात करें दोस्तों कि राणा सांगा का जो स्मारक है वो कहाँ बना हुआ है? छतरी हमने बात कर ली थी, मांडलगढ़ में बनी हुई है, 6 खंभों की बनी हुई है, अशोक परमार ने बनाई थी। अगर स्मारक की बात करें तो बसवा दोसा में बनी हुई है, और ये किसने बनाई थी? उस वक्त ये बसवा दोसा जयपुर या आमेर में पड़ता था, और आमेर का एक राजा था पृथ्वीराज कछवा, जो महाराणा सांगा के साथ था, और उसी ने इसका निर्माण करवाया था। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कहाँ पर है स्मारक? बसवा दोसा में। किसने बनाया था? पृथ्वीराज कछवा ने बनाया था। अब बात आती है कि ये जो सारा का सारा मामला है ये हुआ क्यों? बाबर भारत आया क्यों? देखिए काबुल का शासक था भारत, वो अपने आप तो आया नहीं, लेकिन क्या हुआ? दौलत खान लोधी ये दो व्यक्ति जाते हैं दिल्ली की तरफ से और बुलावा लेके आते हैं। क्या कहते हैं? कि आप आइए भारत में, और भारत में आपको स्पेशली आके किसे हराना है? मेवाड़ को हराना है। अगर एक बार मेवाड़ आपने हरा दिया, लगभग आपका आधा भारत आपके कब्जे में होगा। और यही हुआ कि पहला युद्ध तो ये हारे, लेकिन दूसरा खानवा का युद्ध ये बाबर जीत जाते हैं, और यहाँ से मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। उसके बाद बात आती है दोस्तों
राणा सांगा का अंतिम संस्कार कहाँ हुआ था और राणा सांगा के अंतिम संस्कार की बात करें तो मांडलगढ़ में इनका अंतिम संस्कार किया गया था, वहीं पर इनकी छतरी बनी हुई है छह खंभों की। उसके बाद दोस्तों बात करें कि मारवाड़ कि किस शासक ने खानवा के युद्ध में सांगा का साथ दिया था, तो हम पहले भी बात कर चुके हैं और इस क्वेश्चन में दो बार पूछा हुआ है, राव मालदेव राठौड़ ने महाराणा सांगा का साथ किस युद्ध में दिया था, खानवा के युद्ध में दिया था। ये थे दोस्तों महाराणा सांगा से संबंधित 30 क्वेश्चन जो पिछले किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे हुए हैं या इम्पोर्टेंट बनते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये दोस्तों ये सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसी के पास एक बेल आइकन है जिसमें ऑल के बटन पर आप क्लिक कर दीजिए, उससे क्या होगा हम जो वीडियोज़ आपके लिए रोज़ लेकर आ रहे हैं उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जो जितनी भी जानकारी या जितना भी वीडियोज़ मैं आपके लिए ला रहा हूँ ये आपके लिए आने वाले एग्जामिनेशन में लाभदायक सिद्ध होंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।